देख रहे हैं वाइट्स ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ साक्षी मेहता। अभी हाल ही में 10th और 12th के रिजल्ट्स जारी हुए हैं, जिसमें कई सारे बच्चों ने अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स बनाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ ऋतु जुड़ी हैं, ऋतु शाह, जिन्होंने 12th में 99.97 परसेंटाइल बनाए और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। सबसे पहले ऋतु, बहुत बहुत स्वागत है आपका वाइब्स ऑफ इंडिया में। मैं ऋतु आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि ये जर्नी कैसी रही आपकी, पूरा एक साल जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, कोविड था एंड बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी थे तो जिसके साथ आपको फेस करना पड़ा, तो सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। बहुत थोड़ा टेंशन ज़्यादा होता था मुझे और इसकी वजह से थोड़ा बीमार होने ज़्यादा होता था। आपने कहा आप बीमार ज़्यादा हो जाती थी, तो ऐसा कभी हुआ है क्या, मतलब टेंशन की वजह से आप बीमार होती थी या फिर कोई अदर इफेक्ट्स आपको होते थे? मुझे टेंशन ही ज़्यादा होता था, टेंशन था स्टडीज का। ओके ऋतु, आपने 12th में कितने टाइम आप स्टडीज करती थी? स्कूल का वो 6-7 घंटा होता था और बाद में 5-6 घंटा घर पे। आपने ट्यूशन्स लिए थे 12th के एग्जाम्स? ट्यूशन्स के बिना 99.97 परसेंटाइल पाना बहुत बड़ी बात है ऋतु। सबसे पहले तो आप कैसे पढ़ते हैं ट्यूशन के बिना? यानी एक ही बार में आपको स्कूल में सारा फोकस करना होता था और बाकी स्टूडेंट्स आयल से ट्यूशन जाते भी होंगे, तो कभी ऐसा रहा है कि बाकी स्टूडेंट्स के नो उनके चक्कर में आप कभी आपको लगा हो कि आपको भी ट्यूशन करना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं लगा, स्कूल वाले इतना फोकस करते थे। ओके ऋतु, आपने कहा बीमार भी हो जाती थी, कौन से टाइम पर आप बीमार हुई थी? मोस्ट ऑफ स्कूल के टेस्ट हो तो भी मैं थोड़ा ऐसा वीकनेस ही आ जाता था और बोर्ड के टाइम भी ऐसा वीकनेस आ जाता। आपके स्कूल का नाम क्या है ऋतु? NK स्कूल ऑफ स्कूल। ओके, तो आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहती हैं या फिर पीजी हॉस्टल्स में? फैमिली के साथ आप यहाँ रहती हैं या पीजीज में या हॉस्टल में रहती हैं? मैं पीजी में रहती हूँ। पीजी में रहती है? ओके ग्रेट, तो पीजी में आपको टाइम मिल जाता है स्टडीज करने के लिए? थोड़ा डिफिकल्ट रहता है लेकिन मैनेज कर लेते हैं। ओके मैनेज हो जाता है, दैट्स सो ग्रेट, क्योंकि आजकल ना पीजीज में दूसरों के साथ पढ़ने के लिए अलग से टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर तो मैंने वो लाइब्रेरी वाली हॉस्टल में 12th में पीजी थी। ओके ओके, सो ऋतु आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपको फ्यूचर में क्या करना है? CA का मेरा गोल है। ओके, तो आपकी CA की क्लासेस अभी से स्टार्ट होंगी राइट? हाँ वो मंथ हो गया है स्टार्ट हो। ओके, कितना टाइम आप CA की क्लासेस पे अटेंड करती हैं साथ में? 10 से 6। 10 से 6, दैट्स सो ग्रेट, आप बहुत अच्छा टाइम देती है स्टडीज के लिए। सो ऋतु, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और आजकल के स्टूडेंट्स में, आजकल के बच्चों में सोशल मीडिया का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है, तो आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं सबसे पहले सोशल मीडिया में? 1.5 घंटा जैसा। 1.5 घंटा, मतलब दिन में नो 1.5 घंटा, ज़्यादा नहीं। कौन सा ऐप मोस्टली लाइक यूज़ करना हो तो कौन सा? इंस्टाग्राम। ओके ओके, तो इंस्टाग्राम पे 1.5 घंटा, इट्स इनफ, तो देखा जाए तो चलता है इतना तो। सो ऋतु, फ्रेंड्स के साथ आपको भी बाहर नहीं है स्टडीज के टाइम पे फ्रेंड्स ने बुला लिया हो बाहर जाने के लिए? फ्रेंड्स के साथ नहीं जाती थी, तो ऐसा कभी कि स्टडीज के बाद में कभी फ्रेंड्स ने बुलाया हो तो आपका मन हुआ हो जाने का, ऐसा कुछ? ज़्यादा फ्रेंड्स ही नहीं थे, एक ही दो ही थे। ओके, रिस्ट्रिक्शन था थोड़ा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, सो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बांध जाते हैं मोस्टली। आप टाइम पढ़ाई में स्पेंड करती होंगी? हाँ। तो पूरे ईयर में ऐसा कोई टफ टाइम था दैट आपको लगा हो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए पढ़ना या फिर अच्छे परसेंटेज बनाना? ऐसा तो नहीं था, स्कूल वाले इतने एग्जाम्स ले लेते ना तो वो स्टडी रिकवर हो जाता था, इतना टेंशन उस बात का नहीं था, लेकिन पेपर कैसा आएगा, क्या मेरे को आएगा नहीं आएगा, वो टेंशन रहता। तो आप एग्ज़ाम टाइम पे पूरा पढ़ती थी या फिर ऐसे? मुझे नहीं पूछना चाहिए आई नो, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी बुक्स रिवाइज करते हैं, आपने रिवीजन कितनी बार किया था, ये क्वेश्चन मेरा आपसे स्पेशल है। एग्ज़ाम के टाइम पे कितनी बार हुआ था आपका रिवीजन पूरी बुक्स का ऐसे? तो 3 बार हो गया था। 3 बार आपने रिवीजन किया था? ओके, और
एग्जाम्स जो स्कूल में आती थी उसमें कितनी बार गॉम वो दो बार हो गया। ओके, सो पूरी बुक्स का आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो गया था। एग्जाम टाइम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं हुआ होगा फिर? वो थोड़ा इतना स्टडी का नहीं था लेकिन। ओके, तो मैंने सुना कि आपको ना एग्ज़ाम देते हुए भी आपने वो डॉक्टर्स के पास गई थी और आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उसके बारे में आप कुछ बताइए। वो हमारा एक एसपी का पेपर होता है, वो सुबह का होता है। अच्छा, 10 के टाइम। तो मैं अगले दिन 7 बजे आई पेपर देके इकोनॉमिक्स का, और दूसरे दिन 10 बजे पेपर था। तो उस टाइम थोड़ा कम टाइम था और उसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, एसपी और सीसी। तो रिकवर करने में थोड़ा टाइम कम था, इसलिए ज़्यादा टेंशन हो गया था। इसलिए फिर पेपर तो जैसे जैसे लिख दिया, थोड़ा थोड़ा चक्कर जैसा आ रहा था पेपर, फिर वाटर चढ़ाई। फिर भी आपने इतने अच्छे परसेंटेज बनाए, आई रियली अप्रिशिएट दिस कि इतने जब तबीयत ख़राब होते हुए आपने इतने अच्छे परसेंटेज बनाए। सो जो तो कौन सी सब्जेक्ट आपकी फेवरेट थी, मतलब जिसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत ना लगती हो? तो स्टैटिस्टिक्स और बीए, बीए एंड स्टैटिस्टिक्स। और कौन सी हार्ड लगती थी? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ओके, दैट्स वियर्ड, ग्रेट। इकोनॉमिक्स में से थ्योरी सब्जेक्ट है जो शायद थोड़ी हार्ड हो सकती है। ओके सुधीर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग वाइब्स ऑफ इंडिया और अपनी जो जर्नी है एक्सप्लेन करने के लिए, थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और भी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ। थैंक यू सो मच।